दोस्तों आज हम सोल लैंड एपिसोड की आगे की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैंक्शन को देखते हैं, जो बिबडोम के अटैक को देखकर कहता है, मुझे लगता है यह बिबडोम के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है। तभी हम देखते हैं वो मैन ब्लेड टैंक्शन के सामने ही आ रहा होता है और टैंक्शन इसकी प्रेशर में आ जाता है। यहाँ तक भी वो ब्लेड सी गॉड ट्राइडेंट के अटैक को भी कट कर दिया होता है। टैंक्शन अपनी मन में सोचने लगता है, बिबडोम बस मुझे मारना चाहती है। अब टैंक्शन इससे बचने के लिए अपनी पूरी पावर लगा देता है। इसी समय टैंक्शन सी गॉड ट्राइडेंट का तीसरा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिबडोम की ओर छोड़ देता है, जिससे मैन ब्लेड से बिबडोम की कंट्रोल हट जाता है और वो अटैक हवा में उड़ जाता है, जिसे शू टेलीपोर्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी गोल्डन सील्ड का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोक लेती है। इसकी वजह से शू पूरी तरह से घायल हो जाती है। दोस्तों बिबडोम की यह अटैक इतना पावरफुल था, अगर यह अटैक शू को थोड़ा सा भी लग गया होता तो उसकी बॉडी पूरी तरह से बिखर जाता था। क्योंकि वो इसलिए बची है, वो सही टाइम पर गोल्डन शील्ड का इस्तेमाल की थी, इसकी वजह से वो सिर्फ घायल ही हुई थी। तांगसन की इस भयानक अटैक को देखकर बिबडोम पूरी तरह से डर जाती है और वो फिर से अपनी डेथ स्पाइडर एम्परर के रूप में आकर अपनी नाइन्थ सोल रिंग का इस्तेमाल करती है, क्योंकि पिछले बार इसी एक टेक्निक ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके कारण वो अपनी नाइन्थ स्पिरिट रिंग इमॉर्टल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान को बचाने की कोशिश करती है। तभी टैंक्शन सी गॉड ट्राइडेंट को एक बाले की तरह बिबडोम की ऊपर फेंकता है। अब टैंक्शन की पावर भी पूरी तरह से खत्म हो गए होता है। एक बड़ा धमाके साथ टैंक्शन बहुत दूर जाकर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ बिबडोम की बॉडी भी पूरी तरह से बिखर जाता है। ट्राइडेंट बिना रुके हुए आगे जा रहा होता है। वो जहाँ से भी गुजर रहा था वहाँ की सभी लोगों को सफाई करते हुए आगे जा रहा होता है। तभी वो ट्राइडेंट जेलिंग पास पर पहुंचता है और वहाँ की सभी सोल्जर्स को पूरी तरह से मारते हुए एक बड़े धमाके के साथ जाकर एक दीवार पर लगता है। सी गॉड वेपन भी अपनी लाइट को दी होती है। अगले सीन में हम मार्शल जिलांग को देखते हैं और वो अपने स्पियर को ऊपर उठाते हुए जोर से कहते हैं, सबको मार डालो। इस आवाज में मार्शल जिलांग ने अपनी पूरी पावर लगा दिया होता है। 10 बारी घुड़सवार सेना, 10 हल्की घुड़सवार सेना जोर तरीके से जेलिंग पास पर अटैक करती है। इसके के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा।